मत चाहो, क्योंकि सबके हृदय में हमारे प्रभु ही बैठे हैं। अगर सबको तुम अपनी तरफ से प्यार दोगे तो तुम उसी मालिक को प्रसन्न कर रहे हो, और वो प्रसन्न हो गया तो सब बात बन गई। ये जो अपने लोग सोचते हैं कि मंदिर में या घर में हम सेवा कर दी ठाकुर की और बाहर दूसरों को कष्ट देते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो पूजा स्वयं भगवान कह रहे हैं कपिल देव जी माता देहूति से कि वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। राख में हवन करने से बेकार ही जाता है, क्योंकि राख है अग्नि हो तो वो उसे भस्म करके और धूम रूप से जिस जिसका भाग उसको दे, अगर किसी के लिए नहीं अर्पित किया केवल अग्नि में अर्पित किया तो वातावरण को सुगंधित और शुद्ध कर देगी, लेकिन राख में तो कुछ नहीं हुआ ना। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे श्री विग्रह की एकांत में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा की, लेकिन बाहर मैं ही समस्त चराचर के रूप में हूं, जितने भी पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सब रूप हमारे गोविंद के ही हैं, प्रभु के हैं।